लड़ाई। जी हाँ, हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ और हम सबकी माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्योंकि सब कहते अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है। छोटे बाल रख के, छोटे कपड़े पहन के, गाड़ी चला के आखिर क्या साबित करना चाहती हो? इस बार तो हमें पोता ही चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई तो तुम्हारा मायका। बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, अब और नहीं। सरस, तुम खुद को कब तक रोकोगे? अपनी हद को रोशन करने तक तुम अपने आप को कब तक रोकोगे? अने बीजी बात ये होती, एकला चालो, जो तारी हक सुनी जो तो कोई नू आवे, जो तारी हक सुनी तारी साथे कोई नू आवे तो मानवी तू एकलो जाने रे, तू एकलो जाने रे। ए पण आकृति मां साथे केवा मांग्यू, अमिताभ बच्चन ना पिताजी नू सौथी पसंद कोई जो पंक्ति होय, कोई जो काव्य होय तो ए छे, असफलता एक चुनौती है, उसे देखो और स्वीकार करो, कहां कमी रह गई उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। त्यारबाद आगळ वधीए, शरीरमां शारीरिक अने मानसिक बन्ने प्रकारनी क्षमता आपणी पासे होवी जोईए। आपणे टीवीमां कुंफू जोता होय, कराटे जोता होय, योगा जोता होय, टीवीमां सरस मजानुं मूवी आवतुं होय साउथनुं, तो वधारेमां वधारे फाइट साउथना हीरो करता होय। ई साउथना हीरोमां तमने एम थाय के दीवालने तोड़ी नाखी, ईंटना बे कटका करी नाख्या। हीरो जे हतो एने आम ठेकड़ो मार्यो, बिल्डिंग उपरथी छलांग मारे छे। आवुं अलग अलग प्रकारना कृत्यो, आवुं अलग अलग प्रकारना चित्रो, आवुं अलग अलग प्रकारना वीडियो तमे जोया हशे। पण आज अहींया जे नानी नानी विद्यार्थिनीओ छे ए तमारी समक्ष कराटे रजू करशे। WWF जो तमे जोता होय ने तो एमां नीचे एक सरस मजानुं सेंटेन्स लखेलुं होय के प्लीज डोंट ट्राय धीस एट होम एट एवरीवेर, के आवी कोई पण प्रकारनी कर्तव्य होय ए तमारे घर अथवा बीजी कोई जग्या उपर तमारे ट्राई ना करवी। वातने वधु समय न लेता सरस मजाना कराटेना यूनिफॉर्म मां अहींया उपस्थित छे विद्यार्थिनीओ। नम्र विनंती करूं के तमाम विद्यार्थिनीओ स्टेज पर आवशे अने कराटेने अलग अलग कर्तव्य देखाडशे। बीजी वार नम्र विनंती करूं के आपना बाळकने अने आप खास ध्यान रखो कि आवा कोई पण प्रकारना कर्तव्य होय ए घरे करवाना प्रयत्न ना करता। तमने आया जे कराटे ने कर्तव्य जे देखाडशे ने ए बहु बधो समय मांगी ले एवी वस्तु छे। अथक मेहनत अने परिश्रम दी ए प्रेक्टिस ने एवो मजबूत शरीर बनाव्युं छे। त्यारे आ कराटे स्टेज उपर थाय त्यारे एक हाथथी ईंटना बे कटका थाय, एटले एक घा अने बे कटका। Oh,
कार्यक्रम सारो लगे अहिया जे अखतराओ थाई छे ए घरे ट्राई ना करवा अने सारू लगे तो जोरदार तालियोथी बजावता रहेवू। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटे। सुना है अफ्रीका से पागल डॉक्टर आया है, क्या वो आप हो? लेट मी टेल यू, आई एम नॉट ओनली अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन। ही इज राइट। ऐसे कौन? तो मैं एज अ डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट। सब लोग बोलिए ब्लड। पंक पंक ब्लड कटे ब्लड ब्लड। जोर से बोलो ब्लड। प्यार से बोलो ब्लड। आवाज नहीं आई ब्लड। प्यार से बोलो ब्लड। जोर से बोलो ब्लड। आवाज नहीं आई ब्लड। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव है। बस हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी कमी है दोनों। तो डॉक्टर साहब, हमें हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। तैरना सीख ले और समंदर के ऊपर टहल, बिन पैसों के आगे बचा और हवा में बना ले महल। सूट लोहे का सिलवा ले तू और पैरों पे चश्मा लगा, हाथ में बांध ले वो घड़ी जिसमें हो सारे तेरा पता। हाँ? कैसा लगा मेरा मजा? यार क्या हुआ? हम पूछ, जब तू बोलने नहीं देगा तो मैं कैसे बताऊंगा क्या हुआ? बोल बोल क्या हुआ? गुलाबी मैं भी खेलूंगी क्रिकेट। ओ खबरदार, किसी ने ये कहने की कोशिश की वो तो फुटबॉल होके क्रिकेट खेलेगी। वाह भाई वाह, मैं तुझे अंदर ढूंढ रहा हूँ और ये फुटबॉल देखो यहाँ क्रिकेट खेल रही है। दो नंबर का पेशेंट अटेंड तेरा बाप करेगा? अरे लेकिन उसे तो मैं इंजेक्शन लगा कर आई थी। गर्दन में कौन इंजेक्शन लगाता है? बदतमीजी की। डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, नहीं गुस्सा।
स्टैंड अप एट ए बिजी डे एंड आई लैंड अप हियर। खूब सरस पर मशहूर गुलाटी तुमने जुआ मिलिया। एक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक अस्पताल के बाहर एक बहुत अच्छा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे जो शब्द लिखे हुए थे वो शब्द कुछ इस तरह थे कि दिल खोल दिया होता दोस्तों के साथ, दिल खोल दिया होता दोस्तों के साथ तो दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। समझाए हमने माटे छे कार्यक्रम ने अपने आगे बढ़ाए એવી આશા રાખીએ કે આપણે ડોક્ટર પાસે જવું ના પડે અને આપણે કાર્યક્રમની સંપૂર્ણ મજા માણીએ, દિલ ખોલીને હસીએ, દિલ ખોલીને સારો કાર્યક્રમ લાગે તો તાળીઓથી બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરીએ। ત્યારબાદ આપની સમક્ષ બોલિવૂડ રિમિક્સ સોંગ મ્યુઝિક। ઓ ગોડ, વન મોર રિમિક્સ। ત્યાંથી સ્ટેજ પર આવશે। ત્યારબાદ સાહેબ થોડા સમય પહેલા એટલે કે આઈ થિંક હું તમને કહું તો એક મહિના પહેલાની હું વાત તમને કરું તો પુલવામા એક આતંકી હમલો થયેલો, એમાં આપણા ભારત દેશના 40-44 જવાનો શહીદ થયા। આ જવાનો શહીદ થયા, આ આતંકી હમલો થયો એટલે બધા જ લોકો ફેસબુકમાં વોટ્સઅપમાં કે ટેક્સ્ટ મેસેજ કરવા લાગ્યા કે ભારતના વડાપ્રધાન સાહેબ છે એ પાકિસ્તાન સાથે બદલો લઈ લે, આમ કરી નાખે તેમ કરી નાખે, આર્મીવાળાએ આમ કરવું જોઈએ, આર્મીવાળાએ તેમ કરવું જોઈએ, આવા અલગ અલગ પ્રકારના મેસેજ ફરતા થયા। સાહેબ કહેવાનો મારો મતલબ શું કે હરેક વ્યક્તિ એવું માનતો હોય કે આર્મીવાળા બહુ સારું કામ કરે છે, આર્મીવાળા આતંકવાદીઓને મારી નાખે, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરે કે એર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરે, પણ આર્મીવાળા સ્ટ્રાઇક કરવા જોઈએ। હરેક વ્યક્તિ એવું માંગતો હોય કે એક એક વ્યક્તિ ઘરમાંથી પંજાબમાં એક એક વ્યક્તિ ઘરમાંથી આર્મીમાં જોડાય, આપણે પણ એવું માંગતા હોય કે ઘરનો એક એક વ્યક્તિ હોય એ આર્મીમાં જોડાય, પણ એ ઘર આપણું ન હોય એ ઘર હોય બાજુવાળાનું, આપણે એવું માંગતા હોય કે હરેક વ્યક્તિ ઘરમાંથી એક એક વ્યક્તિ એટલે કે એક વ્યક્તિ તો આર્મીમાં જોડાવો જોઈએ, પણ એ ઘર આપણું ના હોય પણ એ બાજુવાળાનું હોય। હરેક માં પોતાના દીકરાને શિવાજી જેવો બનાવવા માંગે છે, હરેક પિતા પોતાના દીકરાને રામ જેવો બનાવવા માંગે છે, ભગવાન શ્રી રામ જેવો બનાવવા માંગે છે, પણ સાહેબ તમને ખબર છે કે દીકરો રામ જેવો બનાવવો હોય ને સાહેબ તો બાપે દશરથ બનવું પડે, અને દીકરો શિવાજી જેવો બનાવવો હોય તો સાહેબ માએ માતા જીજાબાઈ બનવું પડે। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા શહીદ અંજલિ। ओए की सोच रिया है? काई नहीं, बस यही कि हम तो यहाँ सरहद पर दुश्मनों से लड़ने बैठे हैं, पर पता नहीं क्यों देशवासी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ओए ज्यादा सोच मत, जैसे दुश्मन देखते ही गोली मारते हैं वैसे अपने ख्यालों को भी गोली मार दे। ओ साहब जी, ख्यालों को कैसे गोली मारे, खोपड़ी तो हमारी ही फूटेगी ना। ए तुझको क्या तकलीफ है, तेरी तो खोपड़ी ही खाली है। ये बात भी ठीक है, खाली खोपड़ी फूट भी गई तो क्या। खाली खाली यादों की तस्वीर आती भी है तो देती है दिल को चीर। ओए मराठा की हो गया यारा? साहब जी इनकी बेटी नेशनल गेम्स में कुश्ती की सेमीफाइनल्स में आ चुकी है, उसमें वो जीती है कि नहीं वो पता नहीं। ओए तो बेटी का फोन आ जाएगा यारा, इतना लोड क्यों ले रहा है? पर साहब जी अभी भी किसी का कोई फोन नहीं आया। तो अरे भाई वहां पर सबको बहुत काम रहता है, भूल गए होंगे। भूली नहीं जाती ये वो दूरी है, कोई याद ना करे हमें ये मजबूरी हमारी है, चले आए हम माँ जो प्यारी है बेटी सितारा बन। हेलो हेलो पापा आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ,
तुमने मैच जीता के नहीं? जी पापा, मैं सेमीफाइनल जीत गई। सरदार जी, मेरी बेटी फाइनल में आ गई। ओए बाबा बाबा, क्या बात है। पापा, आप फाइनल मैच देखने आओगे ना? बेटी, कोई आए या ना आए, तुम्हें मेरे लिए मैच जीतना है, जमकर खेलना है। ठीक है पापा, जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी आऊंगा। क्या बोल रही है बिटिया? वो बोलती कम और पटकती ज्यादा है, तभी तो फाइनल तक। दोस्तों, दुश्मनों का हमला, जंग के लिए तैयार हो जाओ। Kill them, sir. Give us a command, sir. Sir, command दीजिए, please. Team India, fire at will. I repeat, fire at will. के सबके में जान लुटा देंगे हम, चले जाएंगे पर देश को ये सौगात दे जाएंगे, सलामी तिरंगे को, जान हिंदुस्तान को, और फिर से लड़ने को दिल का टुकड़ा दे जाएंगे। भारत माता की जय।
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है।
सर अविस्मरणीय माता शाळा ना आचार्य छे અને મોટિવેશન સ્પીકર છે અને સફર એન્કર પણ છે અને ફ્રીમાં કાર્યક્રમ આપે છે. યુટ્યુબ પર એમની ચેનલ છે, ફેસબુક પર પણ છે, ચેસના કોચ છે અને પ્લેયર પણ છે. તો તેમનું પુસ્તક અને પુષ્પથી આપણે સન્માન કરીશું. શાળાના આચાર્ય શ્રી દીપ્તિબેન દેસાઈને વિનંતી કરીશ કે તેમનું સ્વાગત કરો. वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम थनगनाट में उपस्थित अतिथि विशेष श्री बाबू भाई एन गुजराती साहेब, उद्घाटक श्री बंकिम भाई ठाकर, ट्रस्टी श्री कनुभाई मावाणी, मंत्री श्री हेमंत भाई टोपीवाला, उपप्रमुख श्री वजूभाई मावाणी साहेब, खजांची श्री के डी वगाणी साहेब, अन्य स्कूल में अत्रे पधारेल आचार्यश्रीओ, शिक्षकश्रीओ तथा वाली भाईओ अने बहन તથા વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે આપનો કિંમતી સમય કાઢી અમારા આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી નાની નાની બાળાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જેણે તન મન અને ધનથી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં મહેનત કરી છે એવા અમારા સમગ્ર સ્ટાફને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, એમનો આભાર માનું છું. લાઇટ ડેકોરેશન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, મંડપ સર્વિસ એ દરેકનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જ્યારે પણ અમારી સ્કૂલમાંથી તમને આમંત્રણ આપવામાં આવે ત્યારે નાની નાની બાળાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા જરૂર પધારશો એવી આશા. જય હિન્દ. કાસ્ટની ડોર જેમને આપી છે એવા શાળાના તમામ કર્મનિષ્ઠ શિક્ષકો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત છે, એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમને વધાવી લો. ત્યારબાદ કાર્યક્રમની પૂર્ણાવધિ કરતા જનગણ મન ગાઈને આપણે આપણા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને પૂર્ણાવતી કરશું. જનમન ગણ સ્ટાર્ટ કરશું. શુભ નામે જાગે, તવ શુભ આશીષ માંગે, ગાહે તવ જય ગાતા, જનગણ મંગળ દાયક જય ભારત ભાગ્ય વિધાતા, જય 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 હે, જય જય ભારત.